हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ओडिया मीडियम ऑनलाइन का समस्त स्वागत जनाऊँ। आज एही क्लास रे आम पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा पे प्रस्तुति करूचु। आज गणित रु किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसीचु। तुम्हें जानी आम चैनल रे बहुत सारा वीडियो पंचम श्रेणी वृत्ति गणित विज्ञान सामाजिक पाठ या छड़ा मानसिक दक्षता उपर बहुत सारा वीडियो तैयारी। तुम्हें आम चैनल रे प्लेलिस्ट को जीव और सेठी गोटे प्लेलिस्ट खोज पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा से प्लेलिस्ट खोलने जिते सारा वीडियो तैयारी पंचम श्रेणी सब तुमको अवेलेबल मिलजि। तुम इजिली निज इच्छा अनुसार पढ़ी पार। आज आम गणित रु किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आसचु जहाँ तुमको निश्चिंत आसुवा वृत्ति परीक्षा पर निश्चिंत रूपे हेल्पफुल हम। तेना फास्ट क्वेश्चन रहा तुम इस स्लाइड रे देख निम्न चित्र टीर केतेकांश छाय कर। देख ये गोटे वृत्त चित्र टी अच्छी से किसी अंश छाय कर तो टोटाल जदि आम टोटाल चित्रर केते अंश छाय कर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार रिपीटेड क्वेश्चन ये टाइप क्वेश्चन निश्चिंत आम फेस करवा। तेणु केते अंश छाय वृत्त देती हुए तो वृत्ति परीक्षा में अलग कौन चित्र दे पाए किंतु आमको सेमती क्वेश्चन देखा मिले। ओके केतेकांश छाय पे आम केमी जाना प्रथम आम टोटाल केते अंश तैयारी कर। देख छाय तीन अंश राइट किंतु टोटाल आम के अंश अच्छी पांच अंश टोटाल अच्छी पांच अंश राइट तो आम जो पूरा टोटाल वृत्त को पांच भाग व्यक्त कर गोटे भाग दि भाग तीन भाग चार भाग पांच भाग राइट एवं पांच भाग रु के भाग आम चित्र कराई छाय कराई तीन भाग तेणु आमर थ्री बै फाइव छाय कराई तार अर्थ अर्थात पांच भाग रु तीन भाग छाय कराई तेणु थ्री बै फाइव ऑप्शन रे आमर नाही ना ना थ्री बै फाइव जेहेतु ऑप्शन रे नाही कि आमको दशमिक रे देइछि तेणु आमको कौन करिया पड़ो भग्न संख्या को आमको दशमिक रे प्रकाश करिबा को पड़ो। तेणु भग्न संख्या को केमती आम प्रकाश करवा लब को हर हर अर्थात तीन को आम कौन करवा पांच रे हर दबा ठीक अच्छे पिले। ओके ये तीन सान हो जाए तेणु दशमिक बिंदु देकना पांच गोटे शून ना दशमिक बिंदु ने आराम से आम गोटे शून नहीं पार डाण पटे तेणु पांच शो के दशमिक छ दशमिक छाला उत्तर है दशमिक छ पूर्व शून लगेदे कि असुविधा ना तेणु सठिक उत्तर हम सी ऑप्शन शून दशमिक छ बुझिपार बोले शून दशमिक छ हम आम परफेक्ट उत्तर जानपार जदि भग्नांश दे था तेणु थ्री बै फाइव होता जब भग्नांश देनी तो दशमिक रे सी ऑप्शन हम ठीक अच्छे नेक्स्ट जीबा। ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ गोटे तरभुजर दाम तीन टंका केतोटी तरभुजर दाम अठर टंका वेरी कमन क्वेश्चन किंतु वृत्ति परीक्षा भी एमती क्वेश्चन आम देखा मिले। गोटे तरभुजर दाम है तीन टंका राइट ताले केतोटी तरभुजर दाम अठर टंका हम ताले आमको अठर टंकार तरभुज किणवार अच्छी ठीक। ओके किंतु आम बजार को जितने गलु आम पाखे अठर टंका अच्छी अवेलेबल आम दोकान को पचारे भाई तरभुज के गोटे तरभुज को तीन टंका लेखाएं ताले आम के तरभुज पाइबा ताले एकेस रे केतोटी हम माने हरा हम केतोटी चॉकलेट हम कोड़े टंकार केतोटी पेन हम केतोटी खाता हम एत टंकार केतोटी जिनस हम से केस हरण करा हुए एवं हरण क्या करवा अठर को कौन थे हरिया पे अठर को आम तीन हरिया तेणु केत तीन शो अठर बढ़ला के शून भाग शेष भागफल के छाने छाने छटी तेणु अठर टकरे आम छटी तरभुज किनी पार तीन टंका हिसाब से दैट्स ऑल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जी आम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ये रहा तुम। ओके अणचाश टंका पांच पैसा को सतैश टंका पंद्रह पैसा खर्च हो गला आम पाखे थी अणचाश टंका पांच पैसा एवं से खर्च हो जाइए सतैश टंका पंद्रह पैसा ठीक अच्छे ताले आउ के टाँग बढ़ला ताले आम पाखे थिला केते ना अड़चाश टंका पांच पैसा भलारे बुझ मुझे बुझौती बहुत पिला कौन करती एमती लिखि दिंती ठीक अच्छे अड़चाश टंका पांच पैसा पिले एटा पांच पैसा नुह पचास पैसा हो गला तुम अणचाश दशमिक जब पांच लिखिदेव ताहले ये अणचाश टंका पचास पैसा को बुझेब पांच पैसा कहले अणचाश टंका शून किसी ना पांच है अणचाश टंका पांच पैसा ताले आमर अणचाश टंका पांच पैसा अलरेडी अच्छी से खर्च है सतैश टंका पंद्रह पैसा तेणु सतैश टंका जमी आम लिखु एक घरे सात दस घरे दुई सतैश टंका पंदर पैसा जमी आम लिखु दस घरे एक घरे पांच तेणु सतैश टंका पंद्रह पैसा को फेड़ा हे पांच रु पांच गले शून शून रु एक जापर ना एक धार आसा है दस दस रु एक गलेगला नौ ठीक अच्छे ये के आठ आठ रु सात गले एक चार दुई गले दुई त
ତେଣୁ 21.90 ହବ ପରଫେକ୍ଟ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଡି ଅପସନରେ ଦେଇଛି ପିଲେ 21.90, ତେଣୁ ଆମେ ଡି ଅପସନକୁ ଠିକ୍ ମାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବୁଝିଗଲା ତ? ଓକେ, ମତାମତ ଦବ? ଓକେ, ଏ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ବଢିଆ ଭାବରେ ହଁ। ଓକେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। 4 ନମ୍ବରରେ କହିଛି 222.50, କେତେ ଅଛି 222.50କୁ ପଇସାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ 1 ଟଙ୍କା = 100 ପଇସା, ରାଇଟ୍? 1 ଟଙ୍କା = କେତେ ପଇସା? 100 ପଇସା, ରାଇଟ୍? ଓକେ, ସେହିପରି ଭାବରେ 222 ଟଙ୍କା ଅଛି, 222 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା = 100 ପଇସା ମାନେ 1ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଲାଗିଲା? 2ଟା ଶୂନ ଲାଗିଲା। ସେମିତି 222 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା କରିବା, 222 ଆଗରେ କେତେଟା ଶୂନ ଲଗେଇଦେବା? 2ଟା। ଯେମିତି ପିଲେ ଆମେ 1 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଜାଣିବା ପାଇଁ 1 ଆଗରେ କେତେଟା ଶୂନ ଲଗେଇଲୁ? 2ଟା। ସେମିତି ମନେକର 22 ଟଙ୍କା ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଏବେ 222 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ପଇସା କଲେ ତା ଆଗରେ 2ଟା ଶୂନ, ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମର। ହଁ, ତାପରେ ଆକୁ ପଇସାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ, ଇଏ ହେଇଗଲା 222 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ପଇସା। ଏବେ 50 ପଇସା ଅଛି, ତା ତଳେ ଆମେ 50 ପଇସା ରଖିଦେବା। 50 ପଇସା କୋଉଠି ରଖିବା? ଶୂନ ରହିଲା 1 ଘରେ, 5 ରହିଲା 10 ଘରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆନ୍ସର ହବ 0522 2 ତାରି ଉପରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଲା। ହଁ, ତେଣୁ 2 2 5 0 0, ତେଣୁ ବି ଅପସନ ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ, 222 ଟଙ୍କାକୁ ଆମର 222 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ପଇସା କଲେ ହେଇଗଲା 222ରେ 2ଟା 0 ଯୁକ୍ତ 50 ପଇସା ଅଲରେଡି ଅଛି, ଏ 2ଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ବି ଅପସନ ହେଇଯିବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ କୋଉ ଅପସନ ଠିକ ହେଇଯିବ କହିଲେ ବି, ତେଣୁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବି, ରାଇଟ୍? ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି? ଓକେ, ଏଟା ଦିଶୁନଥିବ ତମ ଭଲରେ, ହଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ। ଓକେ, 400 ଜଣ ପିଲା, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? 400 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? କେତେ ଜଣ ପିଲା ପିଲେ? 400 ଜଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚକ୍ଷୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି 400 ଜଣ ପିଲା, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? 400 ଜଣ ପିଲା। ତାଙ୍କର ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଇର କଲର ଉପରେ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକିନା ଏଇ ଗ୍ରାଫଟି କରାହେଇଛି। ଦେଖ, ଶୂନ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ ଦେଇଛି, କେତେ ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ? ଚକ୍ଷୁର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ହେଲା 20%, ନୀଳ କେତେ ହେଲା? ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ହେଇଛି 10-18 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ସବୁଜ ଅଛି 30%, ହଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶତକଡ଼ା ବାହାରିଛି। କେତେ ସେ କହିଛି, କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମାଟିଆ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି? 130 ଜଣ, ନା 80 ଜଣ, ନା 120 ଜଣ, ନା 30 ଜଣ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ? 400 ଜଣ, ଠିକ ଅଛି। ତାର କେତେ ଶତକଡ଼ା? ଦେଖ, ଶତକଡ଼ା ମାଟିଆ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ମାଟିଆ ମାଟିଆ କେତେ ଶତକଡ଼ା? ଦେଖ, ମାଟିଆ ଏଇ ଗ୍ରାଫ ହେଇଛି, ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ପୁଣି ସିଧାରେ ଅଛି 20, ତ ମାଟିଆ 20%, ଶତକଡ଼ା ଦେଇନି, 20% ମାଟିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଟାଲ ପିଲା ଆମର କେତେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ? 400 ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ସେଥିରୁ ମାଟିଆ କେତେ ଅଛି? 20%। ତେଣୁ 400 ର 20% ମାନେ 20 ବିଭକ୍ତକୁ 100, ଏବେ 20 × 5 = 100, ଠିକ ଅଛି। 5 × 8 = 40 କେତେ ହେଲା? 80 ହେଲା, 80 ଜଣ, କେତେ ଜଣ? 80 ଜଣ ଅଛି ଅପସନରେ, ହଁ ଅଛି। ତେଣୁ 80 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମାଟିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ 400 ରୁ 80 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଗଲା, ଚକ୍ଷୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ପିଲେ କେମିତି ବାହାରିଲା ନା, ସେ ଆମକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି, ଆମେ 400 ର 20% ବାହାର କରିବା। ତମ ପାଇଁ ଏଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବ, ହଁ, ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛୁ ମାନେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ନା। ଭଲରେ ମନେ ରଖ, ମନେକର 50 ର 20%, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝାଉଛି, ମନେକର ଦେଇଛି 50 ର 20% ମାନେ 50 ର মানে গুণন 20% মানে 20 ব্যক্তকে 100, তাকু কাটিব 20 × 5 = 100 হেলা কেতে 5 5 10 50 হেলা 10 10, ঠিক আছে। সেমতি মনে কর এটি কেতে দেইতিলা পিলা সংখ্যা দেইতিলা 400, টোটাল পিলা কেতে 400, কেতে শতকড়া পিলাঙ্কর আমর মাটিয়া বাহিরছি 20, তুমি 400 র মানে গুণন 20% মানে 20 ব্যক্তকে 100, এটা কটি গলা 20 × 5 = 100, 5 × 8 = 40, তেনো 80 হেলা, 8 হেলা 0, ଉତ୍ତର ହବ 80 80, ଠିକ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ।
ओके एठी दीटा क्वेश्चन अछि गोटे 6 नंबर क्वेश्चन अछि एवं गोटे 7 नंबर क्वेश्चन अछि 6 नंबर कहूछि एक दिन केते सेकंड राइट एक दिन केते सेकंड प्रथमे हम जानिबा एक मिनिट केते सेकंड कहिछ एक मिनिट केते सेकंड 60 सेकंड राइट एबे एक मिनिट जदि 60 सेकंड तापर ता ऊपर एक घंटा केते सेकंड 3600 सेकंड वी नो ए जिंस त हम कॉमनली जानिछे एक मिनिट 60 सेकंड हेले एक घंटा 3600 सेकंड हबो तनु दिन को केते घंटा ना 24 घंटा तनु 24 घंटा को सेकंड करिया को हेले 1 घंटा जदी 3600 सेकंड हुए ताले 24 घंटा हबो 3600 गुणन 24 अर्थ 3600 को 24 रे हमें कोन गुणीबा छोट पिला बढ़िया 36 को 24 रे गुणीबा दीटा सुन लास्ट लगे दा 6 4 24 रो 4 हतर किला 2 236 1 7 हला केते 4 4 2 6 7 1 8 8 6 4 कोंठि अछि 8 6 4 एथि अछि तब दुइटा सुन तो ऑलरेडी जेतु हम 36 रे दुइटा सुन को गुणिन दुइटा सुन गुणिबा तनु सटीक उत्तर बाजिबो हमर एटा कोडा बाजिबो एटा 8 6 4 दुइटा सुनु एति कि सेकंड जानि पालो तनु 1 घंटा जदि 3600 सेकंड हुए ताहले 24 घंटा अर्थात एक दिन केते सेकंड हबो 3600 को 24 रे गुणीबा एवं ए उत्तर हमें पाइबा ठीक अछि क्लियर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवो एला 7 नंबर क्वेश्चन जणे दुकानी प्रत्येक दिन 6टा सकाळ एएम एएम देखो एएम एएम अर्थ राति 12टा रु राति 12टा लेखि दियोटा खातरे राति 12टा रु दिन 12टा पर्यंत अप टू दिन 12टा पर्यंत एएम जीव ठीक अछि सेहि परि भाब रे दिन 12 रु राति 12 दिन 12 रु राति 12 पीएम रे जीव ठीक अछि बुझैला ह आउ थरे ताले हम भला हरे जानले जे सकाळ राति 12 रु सकाळ बा दिन 12 पर्यंत जीव एएम एवं हमर पीएम केते बड हबो ना पीएम हबा पई वेरी गुड ए कॉलम बाकी हो पीएम हबा पई हमर दिन 12 राति 12 तो एएम देछ माने एटा सकाळ 6टा पीएम देछ माने राति 10टा दिन 10टा हेतले 10 एएम हेतांता ना तनु सकाळ 6टा 6 एएम रु हमर हला 6 एएम रु संध्या 6टा तनु सकाळ 6 रु संध्या 6 केते घंटा 12 घंटा ये गला 12 घंटा पुनि संध्या 6 रु राति 10टा 4 घंटा तनु 12 4 केते 16 घंटा तो टोटल से दुकान खोल चंती 16 घंटा राइट तले सकाळ 6 रु राति 6 बोला रे मंडक सकाळ 6 रु राति 6 12 घंटा सकाळ 7 रु राति 7 12 घंटा ह राति 12 रु सकाळ 12 बा दिन 12 12 घंटा ह तमरो स्कूल खोला उचि 10टा रे ह राति 10टा पर्यंत हला 12 घंटा আজি রাতি 10টা রু কালি রাতি 10টা 24 ঘন্টা বুঝিল আজি রাতি 10টা রু মনে কর আজি অইনা আমরা কত টাইম মু ভিডিও করছি মনে কর 12টা রে ভিডিও করছি কি গোটে রে করছি ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ভেরি গুড তেন আজি দিন 12 রু কালি দিন 12 এই যে কালি সে যে 24 ঘন্টা ঠিক আছে তেন ঠিক ঠিক উত্তর হবে 16 ঘন্টা চলো নেক্সট কোশ্চেন কো যাওয়া ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची एक हेमी हेमी माने हे कोडे जाउछ रे ना हेमी अर्थ हेक्टोमीटर हेमी माने हां हेमी माने हेक्टोमीटर एक हेक्टोमीटर मी माने मीटर एक हेक्टोमीटर केते मीटर आमे भोला रे जानि छे जे हमरो तळे रहिला मनकर मीटर हां मीटर ता ऊपर रहइबो डेका ता पर रहइबो हेक्टो एटा जानि छे हां ता पर रहइबो किलो अर्थात 1 किलो समान 1000 मीटर हां हेक्टो हे गेले 100 हे जीव 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर डेका हे गेले 10 मीटर ए 10 10 रहूची डेका रु मीटर भीतर पार्थक्य 10 मीटर रु हेक्टो भीतर पार्थक्य 100 एठी 1000 ना आमो पछि जे हेमी हेमी माने एटा 1 हेक्टोमीटर त 1 हेक्टोमीटर को मीटर को लाड को त 1 हेक्टोमीटर समान 10 डेका मीटर मीटर लाड को गोटे आ गोटे सुन लागि जीव 100 तनु सूत्र 100 बुझि पालो तनु 1 हेक्टोमीटर त 100 मीटर एमदि मन रखियो आउ थरे मु कहू छी एठा हला मीटर रो जागा एटा हला डेका हेक्टो किलो
मीटर रे डेका हेक्टो किलो गोटे गोटे सुन बढ़ी बढ़ी की जीवो एठी कमी कमी की जीवो एठू बढ़ी बढ़ी की जीवो ठीक अछि ओके नेक्स्ट हाँ कोड़िए मीटर केते मिलीमीटर कहि कोड़िए मीटर समाने केते मिलीमीटर आमे जानचे एक मीटर समाने केते सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ना सेमती आमे जानचे एक मीटर समाने केते मिलीमीटर ना आ गोटे सुन लागि जीवो कारण एक सेमी समाने 10 मिलीमीटर तो गोटे सुन लागिला ना सही परि भाबरे एक मीटर जदि 100 सेंटीमीटर हुए मीटर को जेतरे मिलीमीटर जीवा आ गोटे सुन अधिक लगा हो तो एक मीटर समाने 1000 मिलीमीटर बोला जा ओके 20 मीटर कहिछि तेनु 20 मीटर गुणन सेतिरे मिलीमीटर अर्थात मीटर को मिलीमीटर करिया माने तीनटा शून्य लगया तो 20 रे तीनटा शून्य लगेले 20 रे तीनटा शून्य लगेले केत हो 20000 तो ए ऑप्शन हो सटी तो 20 मीटर समाने 20000 मिलीमीटर बुझि परछ केमती हैला आमे जान छे 1 मीटर समाने 100 सेंटीमीटर किंतु आमे ता पर जान छे 1 सेंटीमीटर माने 10 मिलीमीटर तनु इस मीटर रु सीधा सिओ मिलीमीटर एठी दीटा सुन एठी गोटे सुन तनु केतरा सुन हैला टोटल तीनटा सुन ताले आमे कहि परबा 1 मीटर समाने 1 रे तीनटा सुन मिलीमीटर से अनुसार 20 मीटर रे केते मिलीमीटर आ पई से तीटा सुन लगे दा तीनटा सुन लगे दा तो 20 रे तीनटा सुन बा 2 रे चारटा सुन हे जो उत्तर ओके नेक्स्ट कहि छी वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 10 कहि छी 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या थारु 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते कम 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या पिला हम जान छे 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम माने 1 रे 4 अंक पचर छी माने 3टा शून्य 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम माने 1 रे 4टा शून्य 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या माने 1 लिखि दबा 6 अंक पचर छी माने 5टा सेमति कहि छी 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ताले 1 लिखि दबा 4 पचर छी माने 3टा शून्य थारु 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या माने 1 रे 2टा शून्य ए 2टा को फेर देले केत हो 900 तले उत्तर हो केते कम माने फेडा हो 900 ही जो उत्तर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहि छी शेष क्वेश्चन आजिरो को संख्या रो परवर्ती संख्या टी ए ई संख्या टी कोन देखो केते अंक विशिष्ट अछि 1 2 3 4 5 6 अर्थात एटी एटा होछि 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ना एटा होछि 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ठीक ओके आमे जान छै 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या पाइबा पई हमकु 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रे 1 जोग करियो 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या कोटा एटा 1 2 3 4 5 5 टा न 5 टा न एई हो उत्तर भला रे सुनो 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए गोटे न 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 3 टा न 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 3 टा न 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 4 टा न 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 5 टा न भला 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम 1 सेतरे 1 जो कले अर्थात 1 अंक विशिष्ट रो परवर्ती 1 जो कले परवर्ती 1 अंक विशिष्ट रो परवर्ती संख्या होची 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या से परि भाबरे 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रो परवर्ती अर्थात 1 जो कले 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या सेमति 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रे परवर्ती बा 1 जो कले 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या कोन लक्ष्य करछो 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रो परवर्ती 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रो परवर्ती संख्या 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ताहले आजिर एहि वीडियो रे एहि 11 टा क्वेश्चन थिला पिले समस्त को धन्यवाद जणे कि वीडियो को सारुची एते समय देलो हम चैनल पई तुमको वीडियो भल लागितो निश्चिंत जदि भल लागितो ताहले जे हम चैनल को लाइक करिवो वीडियो को लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो निजो मतामत दव पई निजे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो न आसीले निजो बड़ भाई भौणी किंवा बाप बो कह तुम आम चैनल रे कमेंट करदे जहाँ दरकार आम वीडियो करूँ निश्चिंत ओके थैंक यू।